हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से स्वागत है आपका। आज मैं आपको एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और सीपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताने वाला हूँ वो पांच ऐसे चैप्टर के नाम जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन पाँच चैप्टर को आप समझ लीजिए कि जैसे कि आपके टोटल 23 चैप्टर होते हैं जो कि आपको पढ़ना होता है। इस 23 चैप्टर में से जो पाँच चैप्टर ऐसे होते हैं जो कि अगर आप इस पे आपको एकदम इतना कमांड का ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हैं कि सीजीएल में मेंस पेपर भी होता है, मेंस का भी एग्ज़ाम होता है। उस मेंस एग्ज़ाम में 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं मैथ से, ठीक है, मैथ के 100 क्वेश्चन आते हैं। और इस मैथ के क्वेश्चन में 100 जो क्वेश्चन आते हैं इसमें से ये पांच चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा वेटेज है, जो कि आप समझिए कि टोटल 60% क्वेश्चन तो आपको यहीं से आ जाते हैं इन पाँच चैप्टर से। उसके अलावा जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट बात इतना ही है कि अगर इन चैप्टर पे, इन जो पांच चैप्टर है इस पे कुछ ज़्यादा कमांड की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा कमांड की ज़रूरत होती है। क्योंकि क्वेश्चन, यानी कि अगर आप एसएससी सीजीएल 2017 की बात करें तो उस 17 के एग्ज़ाम में इन्हीं पाँच चैप्टर से स्टूडेंट्स को नहीं बन रहा था क्वेश्चन एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा लेवल उसका हाई कर दिया गया था, इतना ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन दे दिया गया था कि स्टूडेंट चारों खाने चित समझते हैं ना, एकदम पजल्ड हो गए थे कि कैसे इसको क्या करें। तो मैं ये गलती 18 वाले ना करें, इसीलिए मैं इस वीडियो में उनको बताने वाला हूँ कि कौन ऐसे पांच चैप्टर हैं। देखिए, सबसे पहली बात आप देखिए कि आपको अगर सबसे ज़्यादा कमांड की ज़रूरत है तो ये है आपको मेंसुरेशन। टोटल इससे आप समझ लीजिए कि 13-15 क्वेश्चन मेंस में आ जाते हैं, 13-15 क्वेश्चन। आप समझिए कि एक क्वेश्चन दो नंबर के होते हैं तो यानी कि 26 से लेकर 30 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन चैप्टर से आते हैं। और जो अगर 2017 यानी कि लास्ट ईयर की बात करें तो उस एग्ज़ाम में आप समझिए कि मेंसुरेशन के अगर 13 क्वेश्चन थे तो स्टूडेंट से इजिली 5 क्वेश्चन ही केवल बन पा रहे थे। उसके अलावा जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे थे, और अगर बना भी पा रहे थे तो उस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम टेकन लग रहा था। अभी क्योंकि अगर इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है अपने प्रिपरेशन के दौरान कि क्या आप इस चैप्टर पे, एक तो सबसे पहली बात प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आप अभी तक बनाए या नहीं बनाए, आप इस चैप्टर को प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो है आपको सुरेश एस के वर्मा का जो बुक आता है कैट का, उस बुक से आप बनाएं या नहीं बनाएं, उस बुक से आप कॉन्सेप्ट समझे या नहीं समझे, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन थे जो कि कैट लेवल के डायरेक्ट वहीं से उठा के क्वेश्चन दे दिए गए थे। और जिन स्टूडेंट्स ने अपने तैयारी के दौरान इस बुक को बनाया था वही स्टूडेंट्स इस 2017 का जो मेंस का पेपर हुआ था मैथ का, जो कि अगर 150 या 160 प्लस स्कोर ला रहे थे या 170 ला रहे थे, वो इन्हीं चैप्टर के बलबूते ला रहे थे। अगर इस चैप्टर को, इस बुक को नहीं भी बनाए थे तो इसके कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लिए थे। आप इस बुक को बनाएं या नहीं बनाएं, इस चैप्टर मेंसुरेशन को, तो यानी कि मेंसुरेशन पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है, बहुत ज़्यादा टाइम देना है। उसके बाद अगर सेकेंड चैप्टर की बात करें तो ये है आपका ज्योमेट्री। क्या आप इस चैप्टर पे अच्छे तरीके से आपका पकड़ है कि नहीं, क्योंकि इस ज्योमेट्री से भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको आते हैं एग्ज़ाम में। आप समझ सकते हैं कि 10 से 12 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, यानी कि 20 से 24 मार्क्स आपका यहीं से आ गया कि आप इस चैप्टर को कंप्लीट तरीके से बनाएं या नहीं बना पाए, ठीक है। मोटा मोटी ये हो गया। थर्ड आपका हो गया अलजेब्रा। अलजेब्रा क्योंकि अगर देखा जाए तो अलजेब्रा जो कि हम लोग जानते थे कि प्रीवियस ईयर अगर बना लिए तो अलजेब्रा ऐसा चैप्टर था कि जो हम लोग एग्ज़ाम में अच्छे से वैल्यू पुटिंग मेथड से या जो कॉन्सेप्चुअल मेथड है उससे हम लोग बना ले रहे थे। लेकिन एसएससी का जो एसएससी ने जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन सेट किया था वो मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इसको इतने अच्छे तरीके से घुमा के दिया गया था जो कि स्टूडेंट सही में बहुत ज़्यादा पजल्ड थे। तो इसलिए मेरा आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप जो है इन सारे चैप्टर पे पूरी तरीके से फोकस करें हर समय। अर्थमेटिक यानी कि आप जानते हैं कि अर्थमेटिक और एडवांस्ड, तो एडवांस्ड मेरा मेन आपसे यही कहना है कि एडवांस्ड मैथ्स को आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर हर दिन मेंसुरेशन के 30 से 40 क्वेश्चंस को आप बनाते रहिए,
ज्योमेट्री के 30 से 40 क्वेश्चंस बनाते रहिए, इसके सारे फॉर्मूला को रिवाइज करते रहिए, ज्योमेट्री के सारे थ्योरम को रिवाइज करते रहिए, अलजेब्रा के 30 से 40 क्वेश्चंस आप बनाते रहिए डेली। उसके बाद इसके जितने भी आपको फॉर्मूला है उसको आप रिवाइज करते रहिए, ये आपका डेली वर्क है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस बार एसएससी में जो एग्ज़ाम हो उसमें सारे स्टूडेंट्स इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे कि मतलब एसएससी वाले भी सोचे कि कहीं से कुछ पूछो, बच्चे पूरी तरीके से रेडी हैं। क्योंकि आपके पास टाइम भी तो आपको बहुत मिल गया, आप ये समझिए कि टाइम आपको बहुत ज़्यादा मिला है, तो उस टाइम के हिसाब से अगर एसएससी अपने लेवल को कल तक यहाँ तक था और अगर आप यहाँ भी कर दिया है तो अगर ये इंक्रीज हुआ है तो आप ये क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं एसएससी को कि आपको टाइम नहीं दिया गया और क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा पूछ रहा है। इसीलिए आप अभी से ही प्रिपेयर रखिए कि कहीं से भी पूछे आपको बना देना है। अगर फोर चैप्टर की बात करें तो वो हो जाता है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसको भी आपको, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत बार ऐसा होता है कि नंबर सिस्टम को स्टूडेंट्स बहुत बार बनाए भी होते हैं, उसके बाद भी उसमें शॉर्ट ट्रिक क्या होता है वो स्टूडेंट्स नहीं बना पाते हैं, उनको उस समय नहीं याद होता है। इसका मेन रीज़न होता है कि ये एक पढ़िए उसको भूलते जाते हैं लोग, रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो इस चैप्टर पे भी आप समझ लीजिए ऐसा चीज़ है कि अलजेब्रा से भी अगर आप देखें तो यहाँ से भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं, नंबर सिस्टम से भी 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं आपको, आप समझ लीजिए। उसके बाद अगर 5 चैप्टर की बात करें तो वो होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, इसमें भी आपको 7 से 8 क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कि इसके अलावा चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, टाइम एंड वर्क हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, एलिगेशन है, ये सारे चैप्टर्स तो आप इसको बनाए होते हैं। क्योंकि अगर इसके आप इनमें ज़्यादा क्वेश्चन घुमा के और वेरिएबल नहीं पूछते हैं। अगर आप और भी एक इम्पॉर्टेंट की बात कर लें तो 6 में आप ले सकते हैं ट्रिगो को, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री भी, यानी ओवरऑल अगर बात करें तो एडवांस मैथ पे ही आपको पूरी तरीके से फोकस करना है, ये एडवांस मैथ पे, क्योंकि अर्थमेटिक बन जाएगा आपसे, अर्थमेटिक पे आप प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आपसे बन जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि एडवांस मैथ का कितना इंपॉर्टेंस है एसएससी सीजीएल मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीटी ऐसा होता है कि अगर आप रफली अगर पढ़े हैं और उससे अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो पीटी में 45-50 मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन मेंस में है कि क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज होगा तो आपको पढ़ना होगा। उसके अलावा जो रिमेनिंग चैप्टर हैं उसको आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, लेकिन इन सारे चैप्टर्स का जो भी मैंने आपको बताया, आप एक काम कीजिए कि जैसे कि 6 चैप्टर अगर मैंने आपको बताया तो 6 × अगर 30 क्वेश्चन बना रहे हैं आप, यानी कि 180, यानी कि 180 से 200 क्वेश्चन तो आपको डेली बनाना है। ये नहीं कि आप मेंसुरेशन बनाएं, कल आप ज्योमेट्री बनाएं, ऐसा नहीं। एक दिन मेंसुरेशन, एक ही दिन मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगो, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, इन सारे चैप्टर्स को एक दिन में 30-30 क्वेश्चन करके आपको रिवाइज करना है, यानी और इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। आप मान के चलिए 2 आवर भी अगर लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 200 क्वेश्चन है, 2 आवर से 3 आवर, और थ्योरम यानी फार्मूला इसके पढ़ने के लिए 1 आवर, यानी कि 3 आवर इसको आपको देना है। उसके अलावा जो रिमेनिंग चैप्टर है उसमें से आप 20-20 क्वेश्चन करके 5-5 चैप्टर बना लीजिए, कि जैसे कि टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, उसके बाद आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एलिगेशन हो गया, तो जैसे कि उसके बाद आपको पार्टनरशिप हो गया, तो जैसे कि ये 5 चैप्टर को आप ले लीजिए। अब इसमें से 20 क्वेश्चन यहाँ से हो गया आपको 100 क्वेश्चन, फिर इसको भी आप करते रहिए। एक चैप्टर पे एक दिन नहीं देना है, मेरा मेन आपको यही कहना है कि एक चैप्टर को एक दिन नहीं देना है। इससे क्या होगा कि आपको रिव्यू की, अब ऑब्वियस बात है कि 23 चैप्टर है, तो क्या 23 चैप्टर को वापस से पढ़ने के लिए फिर 23 दिन के बाद आप उसको आएंगे? जैसे कि अगर यहाँ से आप स्टार्ट किए तो 23 चैप्टर यहाँ खत्म होगा, तो फिर उसके बाद फिर इस चैप्टर को रिवीजन कर, तब तक तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। इसीलिए आप 5-5 चैप्टर और 6-6 चैप्टर के एक साइकिल में आप बनाएं, ताकि 5 चैप्टर एक दिन में, फिर 5 चैप्टर, फिर 5 चैप्टर, ताकि आप चौथे दिन में फिर वापस से वहाँ पहुँच जाए। इस तरीके से आप पढ़िए मैथ्स को, इस तरीके से आप वो कॉन्सेप्ट को सीखने का कोशिश कीजिए, तो आपका क्या होगा कि आप एकदम मैथ, मतलब सारा क्वेश्चन आपके यहाँ यहाँ होगा, एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे तुरंत क्लिक करेगा, यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, समझ रहे हैं बात को? तो इस तरीके से करना है। और इंग्लिश में क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है? फिलहाल इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनसे आप पूछिएगा, वो सारे इसी तरीके से पढ़ते हैं,
क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि हाँ अंतिम दिन में 5 दिन और 6 दिन में पूरे चैप्टर को रिवाइज कर ले। तभी तो आप देखते होंगे कि कोई कोई स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन होता है आप देखेंगे वो कभी भी 2 घंटे में पेपर नहीं बनाते हैं, वो हमेशा 1 घंटा 45 मिनट 1 घंटा 40 मिनट इतने देर में बना लेते हैं, और जो बचा जो 20-15 मिनट बचता है उसमें वो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसको वो टैकल करते हैं, बना तो बना नहीं बना तो छोड़ देते हैं, और उनके स्कोर 180 प्लस में आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ऑल द बेस्ट।